नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार से वाफा के जरिए विदेश निर्यात होगा फल और सब्जियां। बिहार के इस जिले में लग रहा नियोजन मेला। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के शादी की तस्वीरें हो रही वायरल। अररिया के ध्वस्त पुल की जाँच करने पहुँची दिल्ली, हैदराबाद और गुजरात की टीम। आज भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच, बारिश की भेंट चढ़ा तो किस टीम का होगा फायदा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार से वाफा के जरिए विदेश निर्यात होगा फल और सब्जियां। सरकार बिहार के विभिन्न जिलों के फलों और सब्जियों को इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों में निर्यात करने का प्रबंध कर रही है, जिसकी शुरुआत भागलपुर से होने जा रही है। सब्जी और फलों के निर्यात के क्षेत्र में सबसे बड़े एक्सपोर्टर समूह वाफा के माध्यम से अब भागलपुर का जर्दालू आम वो सब्जी जल्द ही विदेशों की मंडी में निर्यात किया जाएगा। दरअसल शनिवार को वाफा यानी कि फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ कृषि विभाग और एपीडा की मौजूदगी में बिहार के 5 FPC यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ AMU साइन किया गया है, जिसमें भागलपुर, भोजपुर, रोहतास, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के PC ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि पहले से ही जर्दालू आम को GI टैग मिल चुका है और इसका निर्यात भी हो रहा है, मगर वाफा के साथ समझौते होने के बाद इसमें और भी तेजी आएगी। एक और परीक्षा में धांधली के आरोप में बिहार से 16 लोग गिरफ्तार। नीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद अब बिहार में एक और परीक्षा में बड़ी धांधली की खबर आई है। बिहार के नालंदा में रविवार को 14 केंद्रों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद की ओर से ली जा रही डिप्लोमा सह सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता की प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षा में धांधली के आरोप में 2 केंद्रों से एक मुन्ना भाई और 15 नकलची को गिरफ्तार किया गया है। एक साथ 16 लोगों की गिरफ्तारी से जिले में हड़कंप मचा है। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने दर्ज की FIR। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG में कथित अनियमितताओं के संबंध में CBI ने पहली FIR दर्ज कर ली है। केंद्र द्वारा एजेंसी को परीक्षा में जांच सौंपने की घोषणा के एक दिन बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसकी जानकारी अधिकारियों द्वारा रविवार को दी गई। अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ CBI ने एक नया मामला दर्ज किया है और जिसके आधार पर जाँच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मामले की जाँच के लिए CBI की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया है और जो बिहार के पटना, गुजरात के गोधरा जाएगी और राज्यों में दर्ज नीट संबंधी FIR को पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर अपने हाथों में लेगी। बिहार के इस जिले में लग रहा नियोजन मेला। IPRD बिहार ने जानकारी साझा की है कि रोहतास में 26 जून को नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी ncs.gov.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन करें। हालांकि आप अपने निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन आयोजन स्थल पर भी करवा सकते हैं। इस नियोजन मेले का आयोजन फजलगंज स्टेडियम सासाराम में होगा। इसका समय सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक देखने को मिलेगा। इस संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप नियोजनालय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या 9670100688 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में पहली बार आयोजित होगा वॉलीबॉल स्टेट लीग। बिहार में पहली बार वॉलीबॉल स्टेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पहले सिलेक्शन ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। बालक वर्ग में 15 साल के कम उम्र के सभी वॉलीबॉल के खिलाड़ी इस लीग में भाग ले सकते हैं, जबकि बालिका वर्ग में 18 से कम उम्र की लड़कियां भाग ले सकती हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन द्वारा बालक वर्ग का सिलेक्शन ट्रायल 29 जून को 9 प्रमंडलीय स्तर पर सुबह 7 बजे आयोजित किया जाएगा, तो वहीं बालिका वर्ग का सिलेक्शन ट्रायल 2 से 3 जुलाई को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के शादी की तस्वीरें हो रही वायरल। अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर के साथ सोनाक्षी सिन्हा अब शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। दोनों के शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल दोनों ने ही अपनी शादी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। तस्वीर को शेयर करने के साथ ही उन्होंने एक प्यारा सा पोस्ट भी लिखा है। वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी शादी के एंट्री के दौरान की वीडियो शेयर किए हैं। इनमें सोनाक्षी फूलों की चादर की छांव में एंट्री लेती नजर आ रही हैं। सोनाक्षी ने रजिस्टर्ड मैरिज किए हैं। इस दौरान इनके माता पिता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा भी मौजूद रही। वहीं जहीर के माता पिता भी दोनों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे।
आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का है जन्मदिन। आज के ही दिन वर्ष 1937 में भारतीय राजनीतिक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का जन्म बिहार के सुपौल में हुआ था। इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्री के तौर पर भी काम किया था। वर्ष 1980 में उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने में इनका योगदान काफी अहम है। ये एक विद्वान लेखक और एक योग्य प्रशासक भी रहे हैं। इन्होंने कई शोध पत्र लिखे और कई पुस्तकों का लेखन और संपादन भी किया है। जगन्नाथ मिश्रा एक कुशल अर्थशास्त्री भी रहे हैं, जिन्होंने बिहार के अर्थव्यवस्था पर भी कई किताबें लिखी हैं। वहीं बिहार के चर्चित चारा घोटाला मामले में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ ही जगन्नाथ मिश्रा का नाम भी शामिल था, मगर बाद में उन्हें बेल मिल गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का झांसा देकर महिला प्रोफेसर से 47 लाख की ठगी को साइबर ठगों ने दिया अंजाम। बिहार में इन दिनों साइबर ठगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रोज साइबर ठगी के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बार साइबर ठगों ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के IRPM विभाग की हेड और MBA विभाग की निदेशक डॉक्टर निर्मला कुमारी को अपना शिकार बनाया है। डॉक्टर निर्मला का कहना है कि साइबर ठगों ने उन्हें क्राइम ब्रांच में ऑफिसर के पद पर नियुक्त होने की बात कह अलग अलग प्रकार से उन्हें डराया गया और 3 किस्तों में 47.60 लाख की राशि की ठगी कर लिया गया। वहीं महिला प्रोफेसर के साइबर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। अररिया के ध्वस्त पुल की जांच करने पहुंची दिल्ली, हैदराबाद और गुजरात की टीम। उद्घाटन से पहले ही अररिया में पुल के ध्वस्त हो जाने को लेकर सरकार द्वारा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पुल गिराने की जांच की जिम्मेदारी अलग अलग सरकारी कंपनियों को सौंपी गई है, जिसके लिए रविवार को दिल्ली, हैदराबाद व अहमदाबाद की IRC की टीम बिहार के अररिया जिले के सिकटी प्रखंड क्षेत्र में ध्वस्त पुल की जांच के लिए पहुंची। SIT मशीन से ध्वस्त पुल के पिलरों की जांच की गई है। REO विभाग द्वारा बनाए गए 182 मीटर लंबे पुल के सभी पिलरों की जाँच JCB मशीन से खुदाई कर की जा रही है। PMCH तक पहुंचा नीट पेपर लीक मामले की तार। नीट पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रविवार को देवघर से गिरफ्तार कर लाए गए 5 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है और CBI द्वारा रिमांड पर लिए जाने तक ये 5 अभियुक्त न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक नीट UG पेपर लीक मामले की जांच की आंच अब PMCH तक पहुंच सकती है। मामले में 5 मई को पकड़े गए नीतीश कुमार के साथ रहे उसके एक अन्य सहयोगी को PMCH से निकलते देखा गया था, जो अभी फरार चल रहा है। तो वहीं इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि लीक बुकलेट के प्रश्नों को वहीं के किसी PG छात्र द्वारा हल किया गया था। देर शाम जदयू कार्यालय पहुंचे CM नीतीश, लिया बड़ा फैसला। रविवार देर शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 15 मिनट तक जदयू दफ्तर का जायजा लिया। इस दौरान CM नीतीश के साथ मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी भी मौजूद थे। वहीं इस दौरान CM नीतीश ने जदयू कार्यालय के आधुनिकीकरण करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। CM नीतीश ने दफ्तर के बाहर भी सभी व्यवस्था को सुधारने का फैसला लिया है। वहीं पुरानी इमारतों का भी नए सिरे से विस्तार किया जाएगा। 18वीं लोकसभा सदस्य के रूप में PM मोदी ने ली शपथ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया। वहीं PM मोदी के साथ साथ 542 लोकसभा सांसदों ने भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। इनमें बिहार के वे 14 सांसद भी शामिल हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे हैं। आज सोमवार के बाद मंगलवार को भी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं बता दें कि ओडिशा से आने वाले BJP के सीनियर नेता एवं लगातार 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पेपर लीक और CBI हमले मामले में तेजस्वी ने PM मोदी पर कसा तंज। नीट पेपर लीक मामले में जांच के लिए नवादा के एक गांव में पहुंची CBI की टीम पर ग्रामीणों द्वारा उन्हें नकली बताकर उन पर हमला करने की बात सामने आई है। तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मसले को लेकर PM मोदी पर तंज कसा है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, प्रधानमंत्री जी, आपके पावन सानिध्य में बिहार में व्याप्त जंगल राज का नजारा देखिए। नवादा में UGC नेट पेपर धांधली की जांच करने पहुंची CBI की टीम पर हमला। पेपर लीक आपकी सरकार में, CBI पर हमला आपकी सरकार में, और जंगल राज किसी और का।
बिहार में पुल गिरने पर कांग्रेस का राजग सरकार पर हमला। एक सप्ताह के भीतर बिहार में 3 पुल ध्वस्त हो गए, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह व विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने बिहार में पुल गिरने का जिम्मेदार पूर्णतः प्रदेश सरकार को ठहराया है। दोनों नेताओं ने रविवार को कहा कि बिहार को बदनामियों का दंश झेलने के लिए अभिशप्त करने वाली राजग की सरकार को शासन का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आगे कहा कि गिरते ढहते पुल को देखकर कौन कहेगा कि निर्माण में कोताही नहीं की गई है। यह कोताही वस्तुतः भ्रष्टाचार है। आज भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश की भेंट चढ़ा तो किस टीम को होगा फायदा। आज 24 जून को T20 वर्ल्ड कप 2024 का 51वां मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेंट लूसिया के डैडन सेमी नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। रविवार को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से मात देकर जीत दर्ज की। तो वहीं अब आज भारत के खिलाफ खेले जाने वाला मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो वाला स्थिति है। इस बीच सेंट लूसिया में आज बारिश की संभावना भी 55% जताई गई है। ऐसे में अगर बारिश की वजह से मैच रुका तो इसका फायदा भारत को हो सकता है और भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजय सिंह, नुन्नू गोपाल कुमार, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, छोटू रजा, मोहम्मद सागर कमल, संजीव कुमार, नौसाद रजा, राकेश मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, राम बाबू दास, अनिल कुमार सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, कृतिका, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से किस खिलाड़ी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।